नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि इस समय हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में वैद्युत धारा पढ़ रहे हैं। ओम्स ला, ओम का नियम हमने बताया और उसके साथ ही साथ हमने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल पे ही अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल हमने बताया था और आपको कुछ और चीजें बताना जरूरी है प्रतिरोध से संबंधित है, लेकिन पहले कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लिए जाए, फिर प्रतिरोध पर हम लोग आएंगे। ठीक है, जो छोटा है उस पर अभी और चर्चा हम करेंगे। तो आइए अभी हम लोग जो है कुछ प्रश्न और लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए प्रश्न सभी लोग। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक 50 कुलाम का आवेश ले जाने में कितना कार्य होगा जबकि दोनों सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। तो लिखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जैसे ये कंडक्टर है, ये चालक है, इस सिरे से ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्लू पूछा जा रहा है आपसे, जबकि जो क्यू है, चार्ज है, वो 50 कूलम है और इनके बीच का जो विभवांतर है डेल्टा भी, वो है 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट है। तो जब 20 वोल्ट है विभवांतर, तो कार्य होता है W बराबर V इंटू क्यू। तो V का मान है 20 वोल्ट और Q का मान है 50 कूलम, तो 20 × 50 इतना जूल होगा। तो लगा लीजिए, हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। हटा दिया जाए,
अगला नंबर लिखिए, किसी किसी तार के सिरों पर क्रमशः विभव की माप 80 वोल्ट व 60 वोल्ट मापा गया यदि इस तार में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो चलिए देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो तार के सिरों के बीच का विभवांतर जो है बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो विभव का अंतर क्या होता है? विभव का अंतर। तो अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ तो 80 वोल्ट है, यहाँ 60 वोल्ट है, दो दो दिया है, तो किसको रखें? तो इनका अंतर दोनों को लेकर चलना है। इन दोनों का जो अंतर होता है, हमने बताया कि जब कोई भी चालक है ये, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो विभव होता है इनका अंतर विभवांतर कहलाता है, और वही विभवांतर ही इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा भी अगर निकाले तो 80 माइनस 60 कर दे, यानी 20 वोल्ट लॉस हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब भी बराबर डेल्टा भी बराबर होता है आई इंटू आर। अब देखिए आई का मान पता है, तो आर बराबर हो जाएगा डेल्टा भी अपान आई। डेल्टा भी का मान है 20 वोल्ट और आई धारा है 4 एम्पियर, तो 4 से भाग देते हैं तो कितना जाएगा? 5। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 5 ओम। कितना हो जाएगा? 5 ओम। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए, यदि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में 5×10⁻⁙ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन 4 मीटर प्रति सेकेंड के अनुगमन वेग से गतिमान हो जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर हो तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। जबकि E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि जो ये चालक है, प्रश्न में दे रहा है कि ये चालक है। ठीक है, तो इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एकांक आयतन में n एकांक आयतन में दिया गया है कि 5 × 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एकांक आयतन में, और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd दिया गया है, अनुगमन वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड, और दिया गया है कि E की वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो आप जानते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दिया है a 0.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, आपको पता है कि अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन E की आवेश की मात्रा तथा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो और अनुप्रस्थ काट का इसका क्षेत्रफल दिया हो तो धारा I बराबर होता है n इंटू E इंटू A इंटू VD। ये बताया जा चुका है, तो इसी में रख दें, बस धारा का माना जाएगा। तो रख दिया जाए तो धारा का मान, n का मान है 5 × 10⁻¹⁹, और E का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹, और A का मान है 0.5, और VD का मान है 4। ठीक है, तो अब रख दिया गया, तो अब देखिए क्या आ जाता है, 4 × 5 = 20, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना, तो यहाँ पर गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा होगा 5 में तो 10 हो जाएगा, और 10 का जब गुणा होगा 1.6 में तो 16 होगा, गुणा कर देना, तो यहाँ पर हो गया 16 × अब देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ 10⁻¹⁹ है, इसका मतलब है कि 10⁻³ बचा। अब अगर इससे इसमें भाग देंगे यानी 1000 से, तो 0.016 एम्पियर हो जाएगा। तो लिख लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए। हो गया।
चलिए अगला नंबर लिखा जाए। लिखिए, बोले। अच्छा, आप सब जवाब नहीं देते हो, हम लाइव रहते हैं तो आप सब जवाब नहीं देते हो कि आगे चलिए नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बार बार हम पूछते हैं लेकिन आप सब इतना व्यस्त रहते हो, लिखने में तेज चलते हैं क्या? और स्लो कर दिया जाए, अगर न बोल पाते हो तो आप जो है क्लास समाप्त होने के बाद व्हाट्सएप पर ही आप लिख कर सेंड कर दीजिए कि नहीं सब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला नंबर लिखिए सभी लोग। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में 3.2 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन 5 मीटर प्रति सेकेंड के अनुगमन वेग से गतिमान हूं जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 0.07 मीटर हो, 0.07 मीटर हो तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, चलिए क्या ये लग जाएगा? नहीं लग पाएगा, लगाइए जल्दी से। जल्दी से निकालिए, हो गया। अच्छा, आप सभी को हम बता दें कि जैसा कि कई दिनों से हम कह रहे हैं कि आप लोग एडमिशन ले लीजिए, लेकिन जो है कुछ लोग जो है मजबूरी में हैं और कुछ लोगों का विचार ये रहा है, कई लोगों से हमसे पता चला है, बात भी हुआ है, तो जो लोग तो एडमिशन ले लिए हैं उनका तो सुचारू ढंग से क्लास चल रहा है। ये पहले भी हमने बताया कि जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं वो फेयर बना लिए हैं और उसी अनुसार वो क्लास कर रहे हैं, और जो लोग क्लास कंटिन्यू अभी तक जो स्टार्ट किए हैं, कुछ लोगों का शुरू का क्लास छूट गया है, तो उनको हमने कहा है कि जो भी टॉपिक छूटा है वो हमें बता दें, हम उसका लिंक भेज देंगे। तो इससे पहले की क्लासें जो भी अभी तक आपने देखा है, अब नए लोग जो भी जुटेंगे वो पीछे की क्लास से वंचित हो जाएंगे। अगर फीस जमा करेंगे तब तो उनको पीछे की क्लास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और जो
अभी आप लोगों में से जितने लोग देख रहे हैं फीस नहीं जमा किए हैं, वे लोग फीस अगर नहीं जमा करेंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि दो चार दिन के बाद ही आप लोग वीडियो या क्लास नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह वही देख पाएगा जो एडमिशन कराया होगा और जिसका ईमेल आईडी हमारे पास होगा। ईमेल आईडी जितने लोग एडमिशन करा चुके हैं, जो अभी तक नहीं भेजे हैं, दो तीन लोग भेज भी दिए हैं, हमारे पास आ भी गया है, तो उसी ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी हमारे पास नहीं रहेगा तो वो उनके पास हम लिंक तो भेज देंगे व्हाट्सएप से, लेकिन वो क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा नहीं। खुलेगा तभी जो ईमेल आईडी हमें दिए रहेंगे, जितने लोग ईमेल आईडी दिए रहेंगे। अगर ईमेल आईडी नहीं पता रहेगा तो वो नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि अब हम जो है पेड वर्जन प्राइवेसी में हम चलाएंगे, प्राइवेट वर्जन में चलाएंगे, तो वो वही चला पाएगा जिसको हम अलाउ करेंगे, और जिसे हम अलाउ नहीं करेंगे वो नहीं चला पाएंगे। अच्छा, एक चीज ये भी है कि आप जो है क्लास देख रहे हैं तो आप अपने हित के विषय में सोचिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कई दिनों से इसी के विषय में कह रहे हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। लोग जो है आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको भरमाने का प्रयास करेंगे, बहकाने का प्रयास करेंगे, और है भी ऐसा सिचुएशन है, ऐसा समय है कि आप जो है, आपका जो ये समय चल रहा है इसमें भरमने का, भूलने का, या उनकी बातों पर ज्यादा विश्वास करने का वजह भी होता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर किसी के कहने पर आप भरम जाते हैं, विश्वास कर जाते हैं, आप जरा सोचिए कि अगर दो दिन, तीन दिन, चार दिन आप नागा करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या मनमौजी रहते हैं, आप अपने अनुसार रहते हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमें काम न करना पड़े, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए तो क्या जरूरी है काम करने की। सभी लोग, हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड हम भी उसी में है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर न रहे, हमारे ऊपर प्रेशर न होता तो क्या हम पढ़ाते? क्या जरूरी है क्या कि हम पढ़ाएंगे? न पढ़ाते। लॉकडाउन में सभी लोग जो है बैठे हुए हैं, हम भी बैठे रहते, लेकिन हम जितने लोग हमारे कोचिंग में संस्थानों में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, या अभी ऑनलाइन भी बहुत लोग एडमिशन लिए हैं, तो जो लोग एडमिशन लिए हैं उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, अगर उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं हम लोग क्लास ऐसे ही कर लेंगे, क्या फालतू का एडमिशन लें, तो आपको बता दें कि आप यूट्यूब पे चैनलों पर ढूंढोगे, टॉपिक डालोगे कि हाँ ये टॉपिक कौन पढ़ा रहा है, कभी कोई पढ़ाएगा, कभी कोई कुछ बताएगा, कभी कोई कुछ बताएगा, क्रम से आप क्लास नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम आपको एक सिस्टम से चल रहे हैं कि पहले टॉपिक बताते हैं, टॉपिक बताने के बाद आपका जो है फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, टॉपिक बताते समय एक एक चीज हम लिखवाते हैं, लिखवा कर आगे निकलते हैं, इस तरह आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत कम लोग मिलेंगे पढ़ाने के लिए। अगर मिलेंगे तो वो पेड वर्जन के लोग ही मिलेंगे, जहां पर आपको फीस जमा ही करना पड़ेगा, बिना फीस जमा किए आप नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको डर लगता हो कि फीस तो जमा कर दिए और हमारे पास जो है कुछ मिलेगा नहीं, हम फिर बाद में करेंगे क्या जब क्लास नहीं चलेगा, तो आपको हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका पूरा कोर्स हम खत्म करेंगे, पूरा कोर्स मैथ का और फिजिक्स का, और जो आप अभी हम पढ़ा रहे हैं, हाँ आने वाले दिनों में केमिस्ट्री की भी क्लास चलने वाली है, हमने ये भी कहा कि केमिस्ट्री क्लास चलेगा, बायो का भी क्लास चलेगा, ठीक है। डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ, संजोग ही ऐसा है, किस्मत ही खराब था, या तो आप लोगों का या तो हमारा, कि जो है सर आए एक दिन इंट्रोडक्शन की क्लास भी ली, लेकिन वो इंट्रोडक्शन की क्लास हम आप लोगों को इसीलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि जिस दिन वो आए उस दिन जैसे ही निकल रहे थे गली से बाहर तो आगे देखे कि लॉक हो गया है, वहाँ पुलिस प्रशासन खड़ी थी। पता ये चला बाद में कि जो है वहां पर कोरोना वायरस से एक ग्रसित व्यक्ति था। वो जब पता चला तो पूरा का पूरा जो है हमारे जहाँ रहते हैं उसी के बगल में ही जो है लॉक कर दिया गया है, अब आवागमन एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है। वो दूसरे दिन जब आए तो कई रास्ते से घूमकर सोचे कि चले आए, लेकिन हर तरह से बंद है, कोई आ ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्लास जो है नहीं चल पा रहा है। तो जैसे ही क्लास चलेगा
केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जैसे ही डॉक्टर साहब आ जाएंगे तुरंत केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास चलना शुरू हो जाएगा। और ये भी सच्चाई है, आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ गया है 31 मई तक, परंतु 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है और उसकी जो कि दुकान वगैरह है उसको तो खोलने की राज्य सरकार की अनुमति लेने के बाद खुल जाएगा, राज्य सरकार जैसा कहेगा, लेकिन स्कूल संस्थान चाहे अन्य माल वगैरह सब बंद है, आप देख रहे हैं उस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप लगा रखा है कि बंद है और बंद रहेगा भी, इसलिए कि अभी इसका कोई वैक्सीन मिला नहीं है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप बैठकर जो है केवल समय पास करेंगे तो एक दिन अचानक सब कुछ जान जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप जरा सोचिए कि मान लीजिए कि आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना आप बिता तो लिए, पढ़ाई तो नहीं किए, लेकिन आपका समय तो बीत गया, और समय बीत गया उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है या कोई क्लास चलने लगता है, मान लीजिए वैक्सीन ही बन जाता है, तो जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो फेयर बनाए हुए हैं, जो लगातार क्लास कर रहे हैं, वो तो उस समय आगे रहेंगे ना आपसे। अगर आप क्लास नहीं करोगे लगातार तो वो तो उससे आपसे आगे रहेंगे, और जस्ट कुछ दिन के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम मान के चलिए कि भाई फरवरी में ना चल के एग्जाम, मार्च में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, सेशन लेट है तो लेट एग्जाम हो सकता है, मे बी पास भी, लेकिन जानकारी सबसे ज्यादा किसको रहेगा, जो इस लॉकडाउन में पढ़ रहा है उसको जानकारी ज्यादा रहेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, रिविजन करेगा, कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर लेगा। लेकिन आप जब उस समय जब जाएंगे तो उस समय आप इस चक्कर में रहेंगे कि हमें कोर्स खत्म करना है, तो अगला व्यक्ति तो यूपी बोर्ड का क्लास पढ़ाएगा, यूपी बोर्ड के टॉपिकों को पढ़ाएगा, और वो भी सिस्टम से नहीं पढ़ा पाएंगे लोग, क्योंकि आसान नहीं है, थोड़ा सा नहीं होता है कि जो है जल्दी से ना पढ़ा देंगे खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि एक एक टॉपिक पर कितना समय लग रहा है, फिर भी अभी आगे जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन जब कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी आपने क्या मिस कर दिया, क्या क्या छूट गया है। और हम आपको वादा करते हैं कि आपको जैसे जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पीछे का सारे के सारे चीज आप याद कर लेंगे बिना रिविजन का, हम वो याद करा देंगे क्लास में। जैसे आप क्लास ले रहे हैं, अब तो हमने टेस्ट का अनाउंस किया ही है कि टेस्ट लेने वाले हैं, तो जो लोग पढ़े हैं वो तो टेस्ट दे लेंगे और वो अच्छा खासा नंबर भी पाएंगे और उनका अगर रिविजन भी हो जाएगा दोबारा। लेकिन जो अभी नहीं पढ़े हैं या कुछ इधर उधर आनाकानी किए हैं, क्लास किए हैं क्लास नहीं किए हैं, टेस्ट जब हम लेंगे तो क्या लग रहा है कि उनका टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जो लगातार क्लास कर रहा है, पढ़ रहा है, रिविजन कर रहा है, वो तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ना, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो आप अपने विषय में सोचिए कि आप जो है कितना पढ़ ले रहे हैं इस लॉकडाउन में, जहाँ की सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं जो कि क्लास जो है नहीं कर पाते हैं समय पर, इसलिए कि वहां पे हो सकता है कि लाइट ना हो, नेट ना पकड़ रहा हो, तमाम दिक्कतें हो सकती हैं, परंतु वो बाद में जैसे ही क्लास जो है ओवर होता है या उनके पास जैसे ही समय होता है या इंटरनेट सही से काम करने लगता है उस समय उस चीज को पढ़ लेते हैं, उस समय उस चीज को पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, नहीं पढ़ोगे या कुछ क्लास करते हो कुछ नहीं करते हो, आपके मन में चल रहा है कि क्या पढ़ने की जरूरत है ऑनलाइन, बहुत लोग भरमा भी रहे हैं, हम सुन रहे हैं कई अध्यापक जो है कि लड़कों से बात हुआ है तो कई लड़के जहाँ पर अन्य कोचिंगों में पढ़ रहे हैं वहां पर क्या है दिक्कतें कि वो अपने अध्यापक के संपर्क में है, जब उनसे पूछते हैं तो वो मना लोग करते हैं कि ऑनलाइन मत पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ने में समझ में आएगा। और आपको हम बता दें वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जब आप ऑनलाइन क्लास ले लोगे, कहीं एडमिशन ले लोगे और जब आपको जानकारी पहले से हो जाएगा तो फिर बाद में आप उनके यहाँ जाओगे नहीं, आप तो उनके यहाँ पढ़ने जाओगे नहीं, क्योंकि जब आपको अच्छी तरह से जानकारी पहले ही मिल गया है तो फिर आप क्यों जाओगे उनके पास, तो उनका इनकम रुक जाएगा, इस वजह से वो आपको मना करें, बाकी कोई चारा नहीं है मना कर, दूसरा रास्ता मना करने का। वहीं अगर कल के डेट में ही ऑनलाइन वो पढ़ाने लगे तो वो सीधे कहेंगे आपसे कि आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं। क्या अब आप बताओ कि जब वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे और आपसे कहेंगे कि ऑनलाइन आप पढ़ो हम पढ़ा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन समझा लेंगे, वो ऑनलाइन आपको पढ़ा लेंगे, यानी उनके पास क्षमता है पढ़ाने का, दूसरे के पास क्षमता नहीं है पढ़ाने का। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि कौन आपके हित के विषय में सोच रहा है। आप अपने हित के विषय में सोचिए और अपने भविष्य के विषय में सोचिए कि आपका भविष्य किसमें सिक्योर है। हाँ,
हमारे यहाँ जितने लोग एडमिशन लिए हैं चाहे कोचिंग में ले चुके हैं, अब देखिए हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास सुविधा है, हम हर एक एक चीज को जानते, अकेले हैं फिर भी हम जो है एक दिन में 4 से 5 घंटा क्लास पढ़ा रहे हैं, 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ा रहे हैं। आप यूपी बोर्ड में 2 क्लास पढ़ी रहे हो, IIT पॉलिटेक्निक को पढ़ा रहे हैं, SSC को पढ़ा रहे हैं, अभी 11th का शुरू कर लेंगे तो 11th भी पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ाने लगेंगे तो उसमें भी 2 घंटा व्यस्त हो जाएंगे। तो हमारे पास सिस्टम है तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसको इसकी जानकारी नहीं है वो नहीं पढ़ा पाएगा ना, उनके पास सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम भी है तो जानकारी भी होना चाहिए, जानकारी होगा तब तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जहां पर भी कंटिन्यू क्लास मिल रहा है वहां से आप क्लास करिए और अपने हित के विषय में सोचिए। हमारे यहाँ जितने लोग ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं उनके पास फीस रसीद पहुंचेगा, कोचिंग का जो अकाउंट है, करंट अकाउंट है कोचिंग का, उसी अकाउंट में फीस पेमेंट करेंगे, चाहे पेटीएम के माध्यम से या फिर डायरेक्ट बैंक के माध्यम से, अकाउंट नंबर IFSC कोड लीजिए, जो भी आप रखे होंगे सबसे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है पैसा, तो पैसा आ जाएगा। जैसे ही हमें फीस आएगा, आपका आधार कार्ड और एक कलर फोटो होना चाहिए, उसके द्वारा आपको आई कार्ड आपके व्हाट्सएप पर हम बनाकर भेज देंगे, वो आई कार्ड भी और उसमें जो सीरियल नंबर होगा वो नंबर आप रखेंगे, और जो फीस रसीद हम भेजेंगे वो फीस रसीद आप रखेंगे, उस पर वैलिडिटी लिखा रहेगा, कई तारीख को एडमिशन है, कई तारीख को समाप्त होगा आपका सिलेबस, सारा डिटेल लिखा होगा। बाय द वे कल के डेट में हम कोई धोखा करते हैं आपके साथ तो तुरंत आप हमारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपके पास प्रूफ रहेगा, उसके द्वारा आप एक्शन ले सकते हैं, नो डाउट। हम अगर आपके साथ गलती करेंगे तो आप हमारे साथ क्या अच्छा सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। तो आप अलर्ट रहिए, हम अपने माध्यम से पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दिया जा सके, और हम उम्मीद रखते हैं, अब अपने आप को तो हम जानते हैं लेकिन आप जब पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तभी हमारे लिए अच्छा होगा। और आपको कहीं पर दिक्कत होगा तो आप तुरंत कांटेक्ट करिए, हम तुरंत आपको समझाने का प्रयास करेंगे तुरंत। जैसे कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप पर शॉर्ट स्क्रीन करके पूछते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, उनको हम तुरंत समझाते हैं, उनके लिए दूसरे दिन फिर उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और हो सकता है संभव हो तो व्हाट्सएप पर जब जैसे ही आता है तो अगर उनको बता सकते हैं तो उनको हम फोन करके बता भी देते हैं कि देखो यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर आप ऐसे करिए तो हो जाएगा, और लोग समझ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, आप भी समझ जाएंगे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। लेकिन ये सिस्टम तभी सही ढंग से चल पाएगा जब आप एडमिशन लेंगे, ऐसे बिना एडमिशन का कैसे चलेगा, हम किस तरह ऐसे पढ़ाते रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है ना कि व्यक्ति जो है पूरा पढ़ाएगा। हाँ, कुछ क्लास आपने किया, बहुत क्लास कर लिया, हम लगातार क्लास दे रहे हैं आप लोगों को और आगे अभी देंगे ही, 2-4 दिन के बाद आपको प्राइवेसी लग जाएगी, जिसमें जो है ईमेल IID होना जरूरी है, ईमेल IID रहेगा तभी आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। हाँ, एक और सूचना हम आप लोगों को बता दें, जितने लोग इसे देख रहे हैं कि इसके माध्यम से जितने लोग जुटे हैं और उनके माध्यम से जितने नए लोग जुटेंगे वो हमको सूचित अगर करते हैं कि हमने इनको बताया है ये एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके माध्यम से उनको भी लाभ पहुंचेगा। अब किस तरह का लाभ होगा वो उनको व्यक्तिगत पता चलेगा, जब वो हमसे बताएंगे तो उसी समय हम उनसे व्यक्तिगत बताएंगे कि क्या आपको लाभ होगा। तो इसमें एक फायदा भी है, एक चेन भी बनेगा, और आप बताएंगे भी, आपको बैठे बैठे कुछ ना कुछ आपको अर्निंग भी होगा। तो ये अर्निंग होने का तरीका भी है कि आप अर्निंग अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को जोड़िए, आपको अर्निंग भी होगा, यानी आप अगर फीस जमा करते हैं तो वो फीस रिटर्न आपके पास हो भी जाएगा, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप लोगों को बताएंगे, और वो सूचना हमारे पास होना चाहिए और वो व्यक्ति भी हमें बताए कि नहीं आपने ही उन्हें बताए हैं, तभी आपके पास कुछ पैसा पहुंचेगा और जैसे आएगा उसी तरह रिटर्न जाएगा आपके पास। तो ये सिस्टम भी हमने बना रखा है कि आप के पास पैसा रिटर्न भी पहुंच जाएगा, लेकिन ये तभी जब आप बताएंगे, आप चर्चा करेंगे लोगों से बताएंगे। तो आइए, हमने काफी ज्यादा समय ले लिया आप लोगों को, और इसीलिए लिया है समय ताकि आप लोगों को बता दें। तो अभी देखेंगे हम लोग इसमें, तो यहाँ पर हमने प्रश्न दिया था साल्व करने के लिए, तो देखा जाए, साल्व तो नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर समझिए, दिया गया है क्या कि कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, चालक है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है। अब जरा समझिएगा,
कोई भी चालक है तो केवल चालक रख देने से धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह वहां होता है जहां पर एक क्लोज सर्किट बनता है, एक बंद परिपथ बनता है। बंद परिपथ बनेगा तो धारा का प्रवाह होगा, और बंद परिपथ नहीं बनेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये एक बंद परिपथ है जिसमें धारा बह रहा है, उसी कंडक्टर की बात यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पूरा सर्किट नहीं दिखा रहे हैं, खुला सर्किट दिखा रहे हैं। तो इसमें जो है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दिया गया है और इसका रेडियस दिया गया है, इसका जो है रेडियस दिया गया है त्रिज्या। तो हमें तो इसका क्षेत्रफल की जरूरत है ना, रेडियस की जरूरत थोड़ी ही है, किसकी जरूरत है, क्षेत्रफल की जरूरत है। तो क्षेत्रफल की जरूरत है तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या, जब r दिया है, r कितना दिया है तो 0.07 मीटर दिया है। तो देखिए r 0.07 मीटर है, ठीक है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं, आर का मान है 0.07 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 गुड़े 0.07 गुड़े 0.07, क्लियर। अब यहाँ पर हम साफ करें तो 7 से कट जाएगा तो यहाँ पर 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या है कि 22 गुड़े, और इसको हम साफ करें तो इसको 7 लिख दें तो 1, 2, 3, 4, तो 7 × 10⁻⁴ लिख देते हैं, और 7 का गुणा कर दें, 7 × 14, 7 × 14 15, इतना गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया पता हो गया, एरिया नहीं पता था, एरिया पता हो गया। और n दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है कि 3.2 × 10⁸, ये n दिया गया है। अच्छा, जब n दिया गया है और a दिया गया है और अनुगमन वेग vd दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब सब पता हो गया, तो हमें पता है कि I बराबर होता है N इंटू E इंटू A इंटू VD, ठीक है। तो अब देखिए कि N का मान पता है कि 3.2 × 10⁸, और E का मान तो आप जानते ही हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और A का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर 154 × 10⁴, ठीक है। और ये VD का मान आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड, तो VD है 5 मीटर पर सेकेंड, तो धारा I निकल गया। अब ये गुणा कर ले हम, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए ये 10⁻³ × 10⁸, तो देखिए यहाँ पर 8 है और ये 1904 कितना जाएगा, 1904 23, 23 ये हो गया, 23 में से 8 निकल जाएगा तो 15, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3.2 × 1.6 × 154 × 10⁻¹⁵, ठीक है। अब इसका गुणा कर दें, तो चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर, तो 5 का गुणा कर दें, 16 × 5 = 80, तो ये तो 8 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 8 का गुणा कर दें 2 में, तो 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24 = 25, क्यों, तो ये हो जाएगा 25.6 × 154 × 10⁻¹⁵. अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 154 × 25.6, तो चलिए 154 × 25.6 का गुणा कर दें तो यहाँ पर गुणा होगा तो 6 × 24 = 6 × 5 = 30 × 2 = 32, क्यों, और 6 × 6 = 9, 5 × 20 5 × 5 = 25 × 2 = 27, 5 × 5 = 7, फिर 2 × 8 और यहाँ 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 3, जोड़ दें तो 4 × 2 ये 8 × 7 = 15, 15 × 9 = 24, 4 × 7 = 2 = 9 और ये 3, और दशमलव केवल एक स्थान पर लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर I का मान आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा कि एक स्थान पर दशमलव, तो 1, 2, 3,
तो हम तीन स्थान तक ले जाएंगे, 3.9424 गुणे 10^10। तो 15 में 3 जोड़ दें तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना एम्पियर, साफ कर लीजिए इसको, इतना एम्पियर होगा। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखिए। बोला जाए लिखिए, किसी किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता हो प्रवाहित होता हो तो इस तार में ऊर्जा का हानि की गणना कीजिए। देखिए, इस तार में ऊर्जा का हानि हुआ तो उसी हुए हानि की गणना करना है। तो हमें पता है कि जब तार में धारा प्रवाहित हो रहा हो और तार का प्रतिरोध पता हो, तार का क्या पता हो, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध अगर R पता हो और धारा I पता हो तो जो वर्क डन होता है वो तो वर्क डन आप जानते हैं कि W बराबर होता है VIT होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है तार में ऊर्जा का हानि की गणना कीजिए, 5 एम्पियर की धारा बह रहा है और कितने समय तक, समय नहीं दे, समय थोड़ा लिख लीजिएगा इसी में, प्रवाहित 5 एम्पियर की धारा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा 1 मिनट तक प्रवाहित होता हो, 1 मिनट तक यहाँ लिख लीजिएगा, 1 मिनट तक प्रवाहित होता हो तो इस तार में ऊर्जा की हानि बताइए, तो VIT, तो V तो दिया नहीं है तो ये नहीं लगेगा, क्लियर है। अब आप देखिए कि V नहीं दिया है, I दिया है, T दिया है, पर V तो दिया नहीं है, तो V की जगह पर IR रख देते हैं, तो इसका मतलब I में I का गुणा होता है I² R × T। अब देखिए कि I भी दिया है, R भी दिया है, T भी दिया है, तो हमें क्या करना होगा कि यही इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो I² R × T, I² I का मान दिया गया है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर, R का मान दिया है 8 ओम, तो 8T
एक मिनट में कई सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 का गुणा कर दें, ये हो जाएगा 25 गुणे 8 गुणे 60, इतना जूल होगा। गुणा कर लीजिए, निकाल लीजिए जल्दी से। जहां पर भी समझ में ना आए तुरंत बिना हिचकिचाहट आप पूछिए। अब आप तो अकेले हो ना, अकेले तो पूछ ही सकते हो, क्लास में तो बैठे नहीं हो कि आप शर्माओगे डरोगे, आप पूछिए। हो गया, लिखिए अगला नंबर, लिखिए बोले। चलिए अगला नंबर लिखिए। यदि सौ वाट के बल्ब में, यदि सौ वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता हो, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। जब उसको 200 वोल्ट से जोड़ा जाता है और 100 वाट का है, तो आप जानते हैं कि P सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, तो P दिया है कितना, 100 वाट। कितना दिया है, 100 वाट, और V दिया है कितना, 200 वोल्ट। अब हमें ज्ञात करना है क्या, R। क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। जब हम R निकालेंगे तो P भी R में रिलेशन, तो आपको पता है कि P बराबर VI होता है, तो इसमें भी चाहिए, भी तो दिया है लेकिन I नहीं दिया है। तब यहाँ पर भी और P दिया है तो, और R पूछा गया है, तो R चाहिए, इसमें R नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आई के स्थान पर, इस आई के स्थान, जैसे कि वी आई टी, वी बराबर आई आर, तो यहां से आई के जगह पर वी अपान आर रख दें, तो वी अपान आर आई के स्थान पे, तो वी में वी का गुणा होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर, जैसे कि फार्मूला तो हम बता चुके हैं, आप डायरेक्ट रखिए, लेकिन बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। तो अब देखिए v स्क्वायर बाई आर, अब फार्मूला बन गया, बनाते हम इसी तरह है फार्मूला, तो 200 वोल्ट दिया है तो 200 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर p दिया है कितना, 100 वाट, तो यहाँ लिख देंगे 100 वाट बराबर, यहाँ पर क्या हो गया, r, तो अब r बराबर निकल जाएगा, r बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि r बराबर, चमक रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं r बराबर हो जाएगा 200 का स्क्वायर, तो 200 गुणे 200, और बटे पी, पी का मान कितना है 100, तो ये 20 कट जाएगा, तो 2 × 2 = 400, तो 400 ओम हो गया, ठीक है। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना हो गया, 400 ओम, लिख लीजिए। हो गया, अगला नंबर लिखिए, बोले। लिखिए एक किलोवाट का मोटर
एक किलो वाट का मोटर मोटर 5 एम्पियर की धारा पर चलता है तो इस मोटर के कुंडली का प्रतिरोध की गणना कीजिए अब देखिए मोटर के प्रतिरोध की गणना करना है, ठीक है, जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है, 1 किलोवाट का मोटर है। इसका मतलब ये है कि P बराबर दिया गया है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, ठीक है, और I बराबर दिया गया है 5 एम्पियर। हमें पता है कि P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R, ये P बराबर होता है। अब यहां से R की गणना करना है तो R बराबर हो जाएगा P अपान I स्क्वायर। आप जानते हैं कि P बराबर भी I और भी बराबर I इंटू R, I में I का गुणा होगा तो I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, तो यही लिख दिया हमने R बराबर P अपान I स्क्वायर। अब देखिए P का मान 1000 वाट है, R का मान I का मान है 5, तो 5 × 5 तो ये हो जाएगा 25, 25 × 4 = 100, तो कितना आ गया 40, यानी कितना ओम है 40 ओम है। लिख लीजिए, हो गया। अब जरा देखिए, अब आप लोगों को यही समझना है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया 100 वाट का बल्ब था, तो ध्यान समझिए, 100 वाट का जब बल्ब है, ठीक है, और इसको हमने 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिया, और 1000 वाट का बल्ब है, इसको भी 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिया है, ठीक है, 5000 वाट का मोटर है, इसको भी 200 वोल्ट से जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें प्रतिरोध जो है किसका अधिक होगा किसका कम होगा पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे ही सब प्रश्न आते हैं। जरा देखिए क्या करना है, यहाँ पर कि 100 वाट है, यहाँ 1000 वाट है, यहाँ 5000 वाट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि P वोल्ट भी पता है कि 200 यानी वोल्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो P बराबर पता है कि V स्क्वायर बाई R होता है। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, V तो कांस्टेंट है ना, वोल्ट सब में क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल है 1/R के। P प्रोपोर्शनल क्या है, 1/R के, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको P1 और P2, तो देखिए इसका मतलब जिसका प्रतिरोध, अब यहाँ पर R अगर निकालें तो R बराबर 1/P, R प्रोपोर्शनल 1/P। अब देखिए जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और जिसकी क्षमता कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कब, ये तब होता है जब पोटेंशियल सेम है, विभव समान हो,
विभव क्या हो, विभव समान हो, तब तो ऐसा होगा। लेकिन अगर विभव समान न हो तो जरा देखिए, अगर धारा समान हो जाए, यहीं पर कह देता है कि 100 वाट का बल्ब है, इसे 5 एम्पियर की धारा से जलाया जाता है, 5 एम्पियर धारा, इसमें भी 5 एम्पियर धारा, इसमें भी 5 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तब ये बल्ब या मोटर इनकी क्षमता क्या होना चाहिए, इसकी बनावट क्या होना चाहिए, इसकी प्रतिरोध कितना रखना चाहिए। जब हम 5 एम्पियर पे ही सभी को चलाना चाहते हैं, अब 5 एम्पियर वोल्ट क्या है उससे मतलब नहीं, यहाँ पर एम्पियर दिया हुआ है तो एम्पियर से ही हम मतलब रखेंगे, वोल्ट से मतलब नहीं रखेंगे। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अभी अभी हमने लगाया कि यहाँ पर क्या है कि P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई कांस्टेंट हो गया तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, आर। इसका मतलब ये है कि अब आप ये दिमाग में फिट मत कर लीजिएगा कि जिसका क्षमता जो है ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम ही होगा, ऐसी आवश्यकता ऐसा अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर जरूरी ये है कि आपको ये गेस करना है, ये चेक करना है कि क्या ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तब इनकी क्षमताएं हैं, कि सीरीज में जोड़े गए हैं तब इनकी क्षमताएं, आगे अभी बताएंगे ओम प्रतिरोधों का संयोजन, तो उसमें बताएंगे कि प्रतिरोधों के संयोजन में क्या होता है। फिलहाल अभी तो हमने प्रतिरोध की संयोजन बताया ही नहीं, अभी तो हम न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल आपसे करा दिया जाए ताकि आपको पता भी चले कि नहीं कहां पर क्या हमें करना होता है। तो फिलहाल यहां पर आपको जरूरत ये है कि आई, जहां पर प्रतिरोध जो है धारा, जहां पर धारा समान हो, एक ही धारा से सभी को जलाया जाता हो, ये आवश्यक हो, या आप चाहते हैं खरीदने के लिए मार्केट में बल्ब खरीदने के लिए 100 वाट का खरीदते हैं, 1000 वाट का खरीदते हैं, 500 वाट का खरीदते हैं, और उस पर लिखा हो एम्पियर कि 5 एम्पियर की धारा देंगे तब जलेगा 100 वाट पर, 5 एम्पियर का धारा देंगे तब जलेगा 500 वाट पर, 5 एम्पियर की धारा देंगे तब जलेगा वो 300 वाट पर, 5 एम्पियर की धारा देंगे तब जलेगा वो 400 वाट पर, जो भी हो 5 एम्पियर यानी एम्पियर धारा दिया हो, वोल्ट ना लिखा हो, उस पर लिखा हो क्या 5 एम्पियर की धारा और 100 वाट, 5 एम्पियर की धारा 500 वाट, 5 एम्पियर की धारा 20 वाट, ऐसे लिखा हो। इसका मतलब ये है कि उस पर धारा की माप, धारा गणना आप कर चुके हैं, धारा पता है कितना अधिकतम धारा होना चाहिए, उस कंडीशन में P बराबर I स्क्वायर R, तो P प्रोपोर्शनल क्या R, यानी जिसकी क्षमता ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा, और जिसकी क्षमता कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा कम। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर क्या है उल्टा है कि प्रतिरोध ज्यादा तो वाट ज्यादा, क्षमता ज्यादा, प्रतिरोध कम तो क्षमता कम, लेकिन जहां पर पोटेंशियल सेम हो जाता है वहां उल्टा होता है कि प्रतिरोध अगर ज्यादा हुआ तो क्षमता कम, प्रतिरोध कम हुआ तो क्षमता ज्यादा, वहां उल्टा है। कब, जब विभव समान होता है तब, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है, तो थोड़ा आप ये शॉर्टकट तरीका जानते रहिए, आगे जब हम बताएंगे सारे सिलेबस समाप्त होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ पहुंचेंगे जैसे ही, तो आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और हर एक एक चीज बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप जरा देखिए, यहाँ पर अभी तो हमने आपको बताया कि जब प्रतिरोध दिया गया हो और बल्ब हो या मोटर हो तो उसके लिए, जब हमें पोटेंशियल विभव दिया गया हो तब, या धारा दिया गया हो तब, इसी से संबंधित एक आध प्रश्न और लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए जरा, लिखिए 1 किलोवाट की मोटर मोटर पर
220 वोल्ट लिखा हो और वह 80% दक्षता पर कार्य करता हो तो मोटर के प्रतिरोध की गणना कीजिए। जरा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 1 किलोवाट की मोटर पर 220 वोल्ट लिखा हो और वह जो है 80% दक्षता पर कार्य करता हो, तो मोटर की प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर 1 किलोवाट की मोटर है और दक्षता दिया गया है कितना, 80%। दक्षता का सेंस होता है कि हमने इनपुट कितना दिया और आउटपुट निकला कितना। दक्षता का सेंस यहाँ पर ये है कि इनपुट अगर 100 वाट हम दे रहे हैं तो आउटपुट हम केवल 80 वाट ही ले रहे हैं, यानी 80 वाट का ही कार्य हो रहा है, 20 वाट नष्ट हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। अब वो लॉस जो है, मोटर जब आप चलाते हैं तो मोटर में फैन लगा होता है, आप देखेंगे मोटर के पीछे फैन लगा होता है, तो वो फैन जो है हवा को खींचता है, मोटर को ठंडा करता है, कूल करता है, तो फैन में भी वर्क हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वो गर्म होता है, क्वाइल में जब करंट जाएगा तो करंट की वजह से वो गर्म होता है क्वाइल, तो गर्म करने में भी ऊर्जा का लॉस होता है। तो जो ऊर्जा का लॉस होता है, वही ऊर्जा का लॉस 20 वाट है इसमें जो कहा जा रहा है, तो उससे कोई मतलब यहाँ है ही नहीं। और एक बात अभी ये दिमाग में रख लीजिए कि जब कोई भी प्रश्न दिया हो और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि जितने भी वैल्यू दिए गए हैं सबका इस प्रश्न में इस्तेमाल करना जरूरी ही है, ऐसा जबकि आवश्यक नहीं होता है। जितना वैल्यू दिया गया हो जरूरी नहीं है कि सबका इस्तेमाल करके ही निकाला जाता है, ऐसा नहीं। जितनी चीजों की आवश्यकता है उतना ही हम यूज करते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है भले ही प्रश्न में दिया हो उसका कोई योगदान नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दक्षता से कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सीधे 1 किलोवाट और 220 वोल्ट दिया है, इसी को रखकर सॉल्व कर लेंगे। P बराबर कितना दिया है, 1 किलोवाट का मतलब है कि 1000 वाट दिया है, ठीक है। अब ये 1000 वाट है और R का मान दिया गया है, V का मान दिया है कितना, 220 वोल्ट दिया है, तो 220 वोल्ट V दिया है, P दिया है 1000 वाट है, ठीक है। तो अब हमें R की गणना करना है, तो हमें पता है कि P बराबर V² / R, तो R बराबर V² / P। अब यहाँ पर लिख दें 220 का स्क्वायर, तो 220 × 220 / P, P है 1000 वाट, ये 2 जीरो कैंसिल कर दें, ठीक है। अब इसमें गुणा कर दें, 22 में 22 का गुणा करेंगे, संभवतः 484 होगा, क्या है, ठीक है। तो अब इतना बटा 10, इसका मतलब 48.4 ओम, लगा लीजिए। हो गया, लिख लिए, अगला नंबर लिखिए। आप जानते हैं कि R बराबर होता है ρ × L/A, हमने ये बताया आप लोगों को, ठीक है। कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं चीज में,
अब देखिए R बराबर रो इंटू एल अपान ए है। अगर ये कहा जाए कि एक ही धातु का दो तार है, एक ही धातु के दो अलग अलग तार हैं, जिनकी लंबाई भी अलग है मोटाई भी अलग है, परंतु धातु एक ही है और एक का प्रतिरोध दिया है, दोनों की तारों की लंबाई वगैरह सब कुछ दिया है, तो दूसरे का प्रतिरोध की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि R बराबर रो इंटू एल अपान ए, तो R1 हो तो R1 बराबर रो इंटू एल वन अपान ए वन होगा, और अगर R2 दूसरे तार का हो तो रो इंटू एल टू अपान ए टू होगा। ठीक है, तो R1 अपान R2 बराबर जाएगा, रो रो तो कट जाएगा ना, तो L1 अपान L2, L1 अपान L2, ठीक है, R1 अपान R2 बराबर जाएगा L1 अपान L2 इंटू A2 अपान A1, क्लियर। अच्छा A2 और A1 क्या है, तो यहाँ पर L1 अपान L2 इंटू A2 के जगह पर हम लिख दें पाई R1 स्क्वायर स्मॉल R1 स्क्वायर, ठीक है, और A2 जब पाई R2 स्क्वायर, और A2 के जगह पर R1 के जगह पर A2 और A1, A1 के जगह पर पाई R1 स्क्वायर लिख दे, पाई पाई कट जाएगा, इसका मतलब L1 अपान L2 इंटू लिखेंगे R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, ये कैपिटल R1 अपान कैपिटल R2, क्लियर है। और इसमें जो है हम लिखेंगे कि यदि पहला कंडीशन ये कि यदि L1 L2 के बराबर हो, यानी लंबाइयां समान हो, तो जब लंबाइयां समान हो तब R1 अपान R2 बराबर हो जाएगा सीधे R2 अपान R1 का स्क्वायर, या हम इसी को लिख सकते हैं D2 अपान D1, D2 D1 क्या है, व्यास है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये लिखें कि अगर इसी में L1 और L2, A1 और A2 बराबर हो, यानी मोटाई समान हो, या D1 D2 बराबर हो, ठीक है, जो भी कहा जाए D1 D2 बराबर हो, तब इस कंडीशन में R1 अपान R2 बराबर लिखेंगे L1 अपान L2। ये चमक रहा है क्या ज्यादा, तो चमक रहा है, तो इधर हम लिख देते हैं R1 अपान R2 बराबर है R2 अपान R1 का स्क्वायर इन बराबर इनटू, या यही बराबर D2 अपान D1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा इन्हें लिख लीजिए, लिखिए यदि आर्टिकल्स में लिखिएगा, यदि एक ही पदार्थ अथवा धातु के, एक ही पदार्थ अथवा धातु के दो तारों की लंबाइयां L1 स्मॉल लेटर में L1 व L2 हो, L1 व L2 हो, तथा उनके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या स्मॉल लेटर में R1 व R2 हो, R1 व R2 हो, R1 व R2 हो, व प्रतिरोध क्रमशः कैपिटल R1 व कैपिटल R2 हो, कैपिटल R1 व कैपिटल R2 हो, तो लाइन छोड़ दीजिए। अब लिखिए कैपिटल R बराबर रो इंटू एल अपान ए से, कैपिटल R बराबर रो इंटू एल अपान ए से R1 बराबर रो इंटू एल वन अपान ए वन, कैपिटल A1, A1 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, हो गया। अब R2 बराबर कैपिटल R2 बराबर रो इंटू L2 अपान A2, L2 अपान A2, तब लिखिए R1 अपान R2 बराबर
आर वन अपान आर टू बराबर एल वन अपान एल टू इंटू ए टू अपान ए वन। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए इसे। आर वन अपान आर टू बराबर एल वन अपान एल टू इंटू ए टू अपान ए वन। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए। अब नीचे लिखिए, देखिए ए टू और ए वन का मान, तो ए टू वृत्त होगा ना, वृत्त का इक्वल पाई आर टू स्क्वायर, ये ए वन है तो पाई आर वन स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, काट दीजिए। लिख लीजिए एल वन अपान एल टू गुड़े पाई आर टू स्क्वायर बटे पाई आर वन स्क्वायर, पाई पाई काटी। तब लिखिए कैपिटल आर वन अपान कैपिटल आर टू बराबर एल वन अपान एल टू इंटू आर टू अपान आर वन का होल स्क्वायर इंटू आर टू अपान आर वन का होल स्क्वायर, हो गया ये लिख लिए। तब अब कंडीशन लिखिए, पहला कंडीशन, यदि दोनों तारों की लंबाइयां समान हो, दोनों तारों की लंबाइयां समान हो, अर्थात L1 बराबर L2, L1 बराबर L2, तब लिखिए कैपिटल R1 अपान कैपिटल R2, प्रतिरोधों का अनुपात, कैपिटल R1 अपान कैपिटल R2 बराबर लिखिए R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, इस्माल में R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, या यही बराबर लिखिए D2 अपान D1 का होल स्क्वायर, D2 अपान D1 का होल स्क्वायर, हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए, यदि यदि दोनों तारों की मोटाइयां समान हो, दोनों तारों की मोटाइयां समान हो, तो दोनों तारों की मोटाइयां समान हो तो ये लिखिए A1 बराबर A2 या D1 बराबर D2, तब R1 कैपिटल R1 अपान कैपिटल R2 बराबर L1 अपान L2, L1 और L2 क्या है, लंबाइयां, ठीक है। अभी कल लिख लिए सभी लोग आप लोग, अभी कल हम इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है, तब इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। और कल हम इसके आगे कुछ और भी बताएंगे, उसके बाद अभी न्यूमेरिकल भी बताएंगे, उसके बाद हम तारों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाएंगे, और किरचॉफ्स लॉ बताएंगे, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे, सेतु ब्रिज क्या होता है, तो इस पर चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज आगे आप पढ़ेंगे, और जिसका इस्तेमाल आपको आगे भविष्य में बहुत करना है, अगर आप जाते हैं कहीं अन्य टेक्निकल लाइन में जाएंगे तो ये जानकारी होना बेसिक रूप से बहुत जरूरी है, जिसको ये जानकारी नहीं होता है वो जो है आगे चलकर इस लाइन को छोड़ ही देता है, फिर दूसरे लाइनों पर कूद पड़ता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आप में से कोई भी इस लाइन को न छोड़े और अच्छी तरह से इतनी तैयार कर ले, इतना अच्छा तैयार कर ले कि किसी भी प्रश्न में वो उलझे ही ना, बहुत आसानी से जवाब दे दे। और घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप क्लास करते रहेंगे तो आपको हम अच्छी तरह से एक फिजिक्स की जानकारी, भौतिक विज्ञान का अच्छा जानकार हम आपको बना देंगे, ये अगर क्लास अगर कंटिन्यू आप करते रहेंगे तब। मार्केट में जितनी भी तरह के बुक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, चाहे जो भी, किसी का भी प्रश्न आप सॉल्व करके तुरंत दे देंगे किसी को, जो भी पूछेगा, परंतु उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारे कहने से होने वाला कुछ भी नहीं है जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे। आप खूब मेहनत करिए, आप कठिन से कठिन चीजों को हमसे पूछिए, कंसेप्ट हो चाहे प्रश्न हो, न्यूमेरिकल हो, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको तुरंत समझाने का, ठीक है, कि समझा दें अच्छी तरह से, ताकि भविष्य में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तो इसके आगे अभी हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।